घर नहीं बना है ये बच्ची के पिताजी इनके बाबूजी नहीं है ना। अच्छा आप अकेले रहते हैं दोनों हा, हा, हा। खाने के लिए सामान है खाने के लिए सामान है क्या है तीन कट्ठा खेत है बाबू 400 रुपया पेंशन मिलो हो एक एक पसेरी मैंने 5-5 किलो चाव इतना ही है इससे ज्यादा नहीं है ना। कराए पर शुराय प्रखंड के मकरौता पंचायत अंतर्गत दिरीपर गांव में दादी पोती का शौचालय में रहने की बात मीडिया जगत में आते ही अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। खबर फैलते ही हिलसा विधायक प्रेम मुखिया गहरी नींद से जागे और शुक्रवार के दिन वृद्ध महिला और उसकी पोती से मुलाकात करने दिरीपर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्ध महिला और उसकी पोती से मुलाकात कर हर संभव सहायता देने का सिर्फ भरोसा दिया। इसके बाद जन अधिकार पार्टी के युवा नेता राजू दानवीर भी दल बल के साथ दिरीपर गांव पहुंचे, जहां उनके द्वारा खाने पीने का कच्चा सामान व 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई। साथ ही जन अधिकार पार्टी ने इस 10 वर्षीय बच्ची की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च का निर्वहन करने का आश्वासन दिया। वही इस दौरान जाप नेता राजू दानवीर ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा में दादी अपनी पोती के साथ शौचालय में रहने को मजबूर है, जो काफी निंदनीय है। इससे यही प्रतीत होता है कि इनकी दयनीय हालत पर ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया और ना ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया गया। सिर्फ 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से दादी पोती का गुजारा नहीं हो सकता है। बड़ी विडम्बना वाली बात है, पूरा शौचालय सभी जगह पूरे भारत में हम लोग शौचालय बनाएंगे तो शौचालय बना, लेकिन उस शौचालय का क्या उपयोग हो रहा है कि आज इस गांव में आने के बाद हम लोगों को स्पष्ट पता लग गया। अभी स्थिति ये है कि ये पिछले 1 साल से खुद बता रही हैं कि हम इस शौचालय में ही रहते हैं, बारिश पड़ता है हम शौचालय में ही सारा काम कार्य देखते हैं और शौचालय में ही रहते हैं। यहाँ पर करीब 100 लोगों से हम पूछे जो ग्रामीण थे, उन सबसे पूछे, सभी ने बताया कि शौचालय में ही रहते हैं। क्या इनको इंदिरा आवास का कोई लाभ नहीं मिला? मिला था, गायब हो गया। मिला नहीं? मिला तो बना क्यों नहीं? मिला ही नहीं सर। आप लोग के बाद फिर इनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बता रहे हैं कि मेरे पास 300 रुपया है और 5 किलो अनाज है सिर्फ, वो भी कोई आया है तो दिया है, नहीं तो पहले से कोई ख्याल नहीं है। जब अब ऐसी स्थिति यदि बिहार में हो तब सोच लीजिए कि बिहार सरकार की क्या भूमिका है। आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं, ये न्यूज़ यहाँ बिहार ही पूरे बिहार में चल रहा है, जो कितनी निंदनीय की बात है कि शौचालय में एक बूढ़ी माँ अपने पोती के साथ रहने के लिए मजबूर है। आखिर क्या बात है कि मजबूर है, यानी कि सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि इन पर ध्यान नहीं दिए। अब इनके यहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ है जो अब दुख की घड़ी में जब लोगों को पता लगता है तो संतावना देने एक से एक जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन अभी इनके बारे में कुछ सोच के नहीं गया है। अभी स्थिति है कि ये ऐसे बरसात के मौसम, जैसे ही मानसून इन कर रहा है, बरसात के मौसम में अभी रहेंगे कहाँ। हमने इनकी बहुत सारे कच्चा राशन, साथ में 10,000 रुपये का आर्थिक सहयोग और बच्ची के शादी का पूरा खर्च, साथ में बच्ची यदि कहीं पढ़ती है तो वो भी खर्चा जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी उठाएंगे। स्पष्ट रूप से आप सभी के बीच में बोल के जा रहे हैं है कि जैसे एक वृद्धा जो कौशल्या देवी है, कौशल्या देवी का मैंने बेटा देहांत और पुत्र लवारिस, उसके बाद वो बच्चा पैदा लेने के बाद वही बेचारी सेवा किए हैं। पहले डामकल का छावनी छाड़ के रहते हैं, बाद में शौचालय बना है तो उस शौचालय में रहे और बहुत मुसीबत के साथ बिताए हैं। और मेरे सहयोगी दाता दनवीर यादव यहाँ, उनको लिए कुछ खाने पाने के लिए व्यवस्था की 10,000 रुपया और बच्चों को पढ़ने के लिए और शादी के लिए खर्च देने के लिए तैयार है।